बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मर्दान डिवीज़न में पीएसटी का एक पेपर हो चुका है। आज यानी 29 तारीख है, 29/5/2022 को पीएसटी का पेपर है। इस वक्त उसका पार्ट नंबर 1 पेज नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। पेपर टाइप बी है, पेपर टाइप बी मर्दान डिवीज़न का पेपर है, ईटा के ज़रिए हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, दिस इज़ पेपर टाइप बी क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि फाइंड थीटा वेयर लेंथ इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्वेश्चन फार्मूला इस तरह है, एस एस स्टैंड फॉर लेंथ, दिस इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा एल बी इक्वल टू एस लेंथ है, तो एल डिवाइडेड बाय आर। लेंथ हमें दिया गया 45 है, लेंथ 45 और रेडियस 9, तो इसको क्रॉस करो तो 5 आएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, दो नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसको कैसे रूट्स फाइंड करना है, पहले इसको फैक्टराइज कर लें, इसका फैक्टर्स कर लें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 4x और प्लस x - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x को निकालो, x, तो ये हो जाएगा x - 4 और दूसरा से +1 निकाले तो वो हो जाएगा x - 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x - 4, तो ये 4 आ जाएगा, x = 4, और दूसरा x + 1, तो वो हो जाएगा x - -1। अब इन दोनों को जमा करना है, 4 - -1 = 3, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड। प्रीफिक्स लाहिका को, साबिका को कहते हैं, पोस्टफिक्स लाहिका कहते हैं। तो यहाँ देखिए, स्पॉट लिस्ट, ये पोस्टफिक्स यहाँ पर लगा है, यह लाहिका है, ठीक है, पोस्ट है। डिसलाइक, डिस ये क्या है, साबिका है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन, असद्स कैमरा, नेम द पंक्चुएशन यूज इन द पोजिशन, असद्स एपोस्ट्रोफ इस्तेमाल हुआ है, अपर कॉमा, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, रोल्फ वेल्डो एमर्सन इज द राइटर ऑफ अ नेशंस स्ट्रेंथ, अ नेशंस स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स गोल्ड ऑल बॉल आर रिमिंग वर्ल्ड्स, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर, इट वाज एन आइडियालिक वे, IDYLLIC, तो कहते हैं इसकी मीनिंग, इसके मानी है परफेक्ट हैप्पी। तो यहाँ देखिए, डिस्टर्बिंग पुल ऑफ नाइज इटरेटिंग, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, काम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को, जनरल जियाउल्लाह का रूल पाकिस्तान फ्रॉम 77 to 88, 88 में शहीद हो गए थे एक जॉस के ब्लास्ट में, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, हु इम्पोर्स द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इन ऑर्डर इन अक्टूबर 1959 टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पोलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, इट वॉज अयूब खान, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1127 को जंग हतीन में कितने ईसाई शहीद हलाक हुए थे, 30,000, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों,
मिस्टेक तो नहीं, लेकिन मैं 100% इस पे श्योर नहीं हूँ। क्लासरूम असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक असेस्ट, क्लासरूम असेसमेंट जो इतने होते हैं उसको बच्चों की जो वीकनेस फाइंड करते हैं उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा नज़र आ रहा है। इस जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, जुमले इस्मिया के पाइल को मुब्दा और सिफत को खबर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का 14 नंबर, कोई वीरानी सी वीरानी है दहशत को दे के घर आया, किसका शेर है? गालिब का, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो दोस्तों आज के वीडियो पेपर का पहला पार्ट, जहाँ भी आपको गलती नज़र आए तो प्लीज़ जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि उसकी गलती उस गलती को हम निकाल लिया करें। आखिर में बगैर किसी गलती के पूरा पेपर हम अपलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।